विधानसभा 365 शाहगंज से लड़ूंगा चुनाव, बदलूंगा शाहगंज की बदहाल व्यवस्था, ऐसा कहा शहाबुद्दीन ने। इसके साथ साथ और उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। वरवधु को जीवन के नव शुभारंभ की हार्दिक बधाई, इस कामना के साथ परिवार की खुशी में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरवधु के जीवन को नव शुभारंभ की हार्दिक बधाई। शुभ लग्न की बेला जीवन में खुशियों की सौगात लाए, विश्वास और मित्रता की डोर से दोनों सदैव बंधे रहें, रिश्ते में स्नेह रहें, बेहतर तालमेल से जीवन आगे बढ़े और समय के साथ संबंध और भी गहरा हो और मजबूत भी हो। इसी कामना के साथ सुखद एवं सौभाग्यपूर्ण जीवन के लिए शुभकामनाएं और आशीष। ज्ञात हो कि आज विधानसभा शाहगंज के लोकप्रिय नेता शहाबुद्दीन बीएसपी नेता अमरजीत गौतम जी की भतीजी की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे। बिटिया को आशीर्वाद देने के पश्चात मीडिया के सवालों का टोटुक जवाब देते हुए श्री शहाबुद्दीन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं या कोई गुंजाइश नहीं कि मैं आगामी 2022 में विधानसभा 365 शाहगंज से चुनाव लड़ूंगा और इसके लिए मैं तमाम सम्मानित जनों से शिष्टाचार भेंट कर एक बेहतर माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहा हूँ। निसंदेह पूरी तरह जमीनी स्तर मजबूत कर बहुत ही सफल चुनाव लड़ूंगा। उक्त अवसर में सरोज अहमद, सलादुद्दीन शहबाज अहमद, अब्दुल कयूम खान, साहिद खान, साजिद खान, तौसीफ खान, इमरान खान, जिशान खान आदि उपस्थित रहे। ये फिलहाल अभी हम जिला पंचायत चुनाव 17 नंबर वार्ड सुदाम ब्लॉक से जीता गया है और लोगों को बधाई दिया जा रहा है, मुबारकबाद दिया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि 365 विधानसभा शाहगंज चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, तो 2022 में आने वाले समय में हम इसी ऐसे ही बधाई 2022 में लोगों को देना चाहेंगे। इसीलिए लोगों से मुलाकात किया जा रहा है, चुनाव की तैयारी भी सर मैंने बात हो रही है। सर आपने जौनपुर में आजमगढ़ में एक एक सीटें जीती है, इसके अलावा कुछ सीटों पर आप दूसरे नंबर पर रहे हैं। कुछ दिनों पहले AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की जबान से सुना गया था, उन्होंने कहा था कि उलमा काउंसिल अपना जनाधार खो चुकी है, ऐसे में दो सीट जीतने के बाद आप प्रदेश अध्यक्ष से क्या कहना चाहेंगे? भाई प्रदेश अध्यक्ष जी से हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं उनके विषय में, क्योंकि जनाधार खो गया था उनकी जबान से वो कह रहे थे, लेकिन उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वो खुद ही देख रहे होंगे, सीटें निकली हैं तो हमें जवाब, हम नहीं समझते हैं कि हम जवाब दें, और स्वयं खुद जवाब लोगों को मिल गया सीट निकलने के बाद। आने वाले असेंबली चुनाव में गठबंधन पर कोई विचार चल रहा है? विचार अभी फिलहाल बड़े लोग कर रहे हैं, अभी पार्टी के तरफ से कोई नहीं आया हुआ है, आएगा तो बताया जाएगा।